ग्रामर से सेंटेंस, ये इंग्लिश ग्रामर का बहुत अहम हिस्सा है। आज हम देखेंगे कि सेंटेंस क्या है, उसकी तारीफ और उसकी कितनी किस्में हैं, साथ ही इंग्लिश ग्रामर के अंदर सेंटेंस बनाने के लिए उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और आपको वीडियो कैसी लगी इस पर कमेंट करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए तो अब हम देखते हैं सेंटेंस। अजीज तलबा, हम अपने रोजाना की जिंदगी में बेशबाह जुमले बोलते रहते हैं लेकिन हम इस पर गौर नहीं करते। हम रोजाना के अपने काम को बताने के लिए किसी के बारे में जब हम बात करते हैं या उसको जो है कुछ बताते हैं या उसके बारे में कुछ बोलते हैं, ये जो तमाम अल्फाज हमारी जुबान से अदा होते हैं ये तमाम ही जो है जुमले कहलाते हैं। आइए हम जुमले को और आसानी से समझने के लिए उसकी तारीफ देखते हैं। हम जो है इसकी तारीफ देखते हैं, लफ्जों का मजमा। सबसे पहले हम देखेंगे कि लफ्ज यानी क्या, लफ्ज हम किसको कहेंगे। तो देखिए एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर लिखा हुआ है आई गो टू स्कूल, तो इसके अंदर एक दो तीन चार लफ्ज है और इन चार लफ्जों से मिलकर जो है एक सेंटेंस यहाँ पर तैयार हुआ है। ठीक है, अब आप फिर जो कहेंगे कि ये अगर लफ्ज है तो हर्फ किसको कहेंगे हम, है ना। ठीक है, तो हर्फ जिससे लफ्ज बनता हो, जिससे मिलकर लफ्ज बनता हो उसे जो है हम कहेंगे हर्फ। इसी के साथ चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो लफ्जों का मजमा यानी बहुत सारे अल्फाज जमा होकर जब एक जुमला तैयार होता है जो मुकम्मल मतलब वो मानी जाहिर करे, और वही जो जुमला मुकम्मल मतलब और मानी जाहिर करता है उसे जुमला कहते हैं। जैसे यहाँ पर है आई गो टू स्कूल, ये लफ्जों का मजमा है और ये अपना एक मतलब जो है यहाँ पर जाहिर कर रहा है कि आई मतलब मैं, गो मतलब जाना, टू स्कूल मैं स्कूल जाता हूँ। इस जुमले से हमको मालूम पड़ रहा है कि मैं जो है क्या काम करता हूँ, स्कूल जाने का काम करता हूँ, तो इसी को जो है हम कहेंगे जुमला। अब जो है इसके बाद हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे इंग्लिश में कि जुमला किस तरह तैयार किया जाता है। तो देखिए हम देखेंगे कि इंग्लिश में जुमला बनाने का जो स्ट्रक्चर वो क्या है। तो सबसे पहले हमको लेना पड़ेगा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आता है वर्ब, और वर्ब के बाद फिर हमको लेना है ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब जो है सबसे पहले हम समझेंगे कि ये सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लिख रहा हूं, उसे हमें समझने में आसानी होगी। आई राइट, ये कॉमन सेंटेंस है, आई राइट अ लेटर। ठीक है, तो देखिए यहां पर हमारे सामने एक जुमला है, एक सेंटेंस है। अब जो है सबसे पहले हम देखेंगे कि ये सब्जेक्ट मतलब क्या। तो देखिए सब्जेक्ट को उर्दू में कहा जाता है फाइल, इसे हम उर्दू में कहेंगे फाइल। सब्जेक्ट का काम ये जुमले में ये है कि जुमले के अंदर काम करने वाला कौन है या किसके जरिए काम किया जा रहा है वो इसको बताता है। तो हमारे सामने अभी यहाँ पर फिलहाल में यहाँ पर जो आए हैं वो कहलाएगा सब्जेक्ट, क्योंकि जुमले में काम करने वाला सब्जेक्ट क्या है, आए है। तो सब्जेक्ट जो है ये बताता है कि जुमले में काम करने वाला कौन है। इसके बाद अब हम देखेंगे सब्जेक्ट के बाद है वर्ब। वर्ब ये जो है इंग्लिश के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी वर्ब के बिना हम कोई जुमला नहीं बना सकते। तो देखिए अब वर्ब का क्या काम है, तो वर्ब जो है जुमले में हमेशा काम के होने को जाहिर करता है। तो यहाँ पर जो राइट है ये जो है वर्ब है। ठीक है, पहले सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब, तो यहाँ पर आ गया हमारा सब्जेक्ट, काम करने वाला आए है
उसके बाद यहाँ पर जो है वर्ब आएगा, तो वर्ब बता रहा है कि काम हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो वर्ब यहाँ पर बता रहा है कि आई जो है काम करता है, और वो क्या काम करता है, तो यहाँ पर देखिए वर्ब है राइट, यानी वो लिखता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए वर्ब जो है क्या करता है, हमेशा काम को बताता है कि काम अभी शुरू है, होता है या हो चुका है या आने वाले वक्त में होगा। ये जो काम है वो वर्ब का है, तो यहाँ पर देखिए राइट, राइट का मतलब होता है लिखना। तो वर्ब जो है यहाँ पर बता रहा है कि आई जो है क्या करता है, लिखता है, ठीक है। इसी के साथ अब हम देखेंगे ऑब्जेक्ट। इससे पहले देखिए वर्ब को कहा जाता है फेल, ठीक है। वर्ब को उर्दू में कहा जाता है फेल, फेल मतलब काम, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को उर्दू में कहा जाता है मफूल, ठीक है, मफूल। अब ऑब्जेक्ट का काम क्या है, तो देखिए ऑब्जेक्ट का काम जुमले में ये है कि वो जुमले में सब्जेक्ट के जरिए जो भी काम किया जा रहा है वो बताता है कि काम किस पर हो रहा है या क्या काम किया जा रहा है। जैसे यहां पर देखेंगे हम कि आय जो है क्या करता है, लिखता है, और अ लेटर ये जो है यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट बता रहा है कि आय क्या क्या लिखता है, तो आय जो है खत लिखता है। ये कौन बता रहा है, ऑब्जेक्ट हमको बता रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आ गया सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, तीनों के काम जो है हम जान चुके। एक बार फिर हम जो है मुख्तसरन रिविजन ले लेते हैं कि यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट का काम क्या है कि वो जुमले में बताता है कि काम करने वाला कौन है, आई यानी मैं हूँ, यहाँ जो है काम करने वाला कोई भी हो सकता है या कोई स्पेसिफिक नाम भी हो सकता, जैसे वसीम, जहीर वगैरह वगैरह, और कोई भी नाम यहाँ पर आ सकता है, ठीक है। वर्ब जो है क्या करता है, काम के होने को बताता है, और वर्ब जो है बताता है कि काम अभी हो रहा है, काम होता है, काम हो चुका है या काम होगा। इसके बाद ऑब्जेक्ट का काम यह है जुमले में कि वो बताता है कि काम किस पर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख चुके हैं कि आय जो है लिखने का काम कर रहा है और ऑब्जेक्ट बता रहा है कि क्या लिख रहा, तो वो एक खत लिख रहा है। और देखिए अब इसका जो है मुकम्मल मतलब क्या होगा, तो देखिए इसका मुकम्मल मतलब ये है कि मैं खत लिखता हूँ, यानी यहाँ पर मेरे जरिए खत लिखा जाता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इसकी किस्में कितनी है। तो देखिए अभी हम जो है सेंटेंस क्या है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है और सेंटेंस किस तरह से बनाया जाता है ये देख चुके हैं। अब हम देखेंगे कि उसकी किस्में कितनी है। जुमले की चार किस्में हैं, जिसमें नंबर एक है असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस मतलब सादा या जिसको हम कहेंगे बयानिया जुमला, असर्टिव सेंटेंस ये जो है जुमले की पहली किस्म है। इसके बाद नंबर दो पर है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब सवालिया जुमला, यानी ऐसे जुमले जिसमें सवाल पूछा जाए। हम अभी जब इनकी तारीफ और मिसालें के जरिए जानेंगे तो आगे हम मुकम्मल तौर पर इनको पढ़ेंगे। इसके बाद है नंबर तीन इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंपरेटिव सेंटेंस मतलब हुक्मिया या जिसको हम कहेंगे इल्तिजाइया जुमला। इसके बाद चौथी जो है इसकी आखिरी किस्म है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस,
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है, मतलब फजाइया जुमला। तो इस तरीके से इंग्लिश में सेंटेंस की चार किस्में हैं। पहली है असर्टिव सेंटेंस, ठीक है, जिसका मतलब होता है सादा या बयानिया जुमला। इसके बाद है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको हम कहेंगे सवालिया जुमला। उसके बाद है नंबर तीन पर इंपरेटिव सेंटेंस, जिसको हम कहेंगे हुक्मिया या इल्तिजाइया जुमला। और आखिरी किस्म है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी फजाइया जुमला। अभी आप यहाँ तक इसको याद रखिए, इंशाल्लाह अगले पार्ट में हम चारों की तारीफ और उनको मिसालों के जरिए समझेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।